बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फेज जी की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा व तालबात को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीपीएससी के अबाउट। पीपीएससी ने जनाब रिज़ल्ट जारी किया है सब इंस्पेक्टर का। जी हाँ, कल मैंने जनाब मैं अपनी पिछली वीडियो में एक बात क्लियर कर दूँ पहले कि पिछली वीडियो में बता रहा था कि अगर आप मेरी पिछली दो तीन दिन पहले की वीडियो चेक कर लें तो उसमें मैंने बताया था कि जो सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट है वो ईद से पहले आएगा, ठीक है। लेकिन कल मैंने की थी कॉल पीपीएससी के दफ्तर, उन्होंने मुझे बताया कि रिज़ल्ट जो है ना एक महीना पूरा लेट आएगा, ठीक है। मैंने कहा सर एक महीना लेट होने की वजह क्या है? उन्होंने कहा जी पीएमएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिसकी वजह से। फिर मैंने आज वीडियो बनाई उसके ऊपर भी मैंने यही कहा था। लेकिन देख लें जी, मैंने अपना जो एक अंदाज़ा लगाया था उसके मुताबिक बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ठीक था और शेखुपुरा का सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आ गया है। शेखुपुरा से जनाब जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो जनाब उनको तमाम को सफ़ेद जी के अकेडमी के नाम से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा जो बंदे रिकमेंड नहीं हुए, नॉट रिकमेंडेड हुए हैं, वो बिल्कुल घबराए नहीं। आगे असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब आ रही हैं, आगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब आ रही हैं, आगे सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जॉब आ रही हैं। वो जॉब आपका वेट कर रही हैं। आप वो बंदे हैं जो आप कम्पीट कर सकते हैं। अब आपने जो इंटरव्यू में मिस्टेक्स किए हैं वो नेक्स्ट आप नहीं करेंगे, लिहाजा आपने डिसाइड नहीं होना और आपने आगे ट्राई करनी है। तो ये जनाब मैंने आप तक न्यूज़ पहुंचानी थी ताकि आप जो है अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखें, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है जब कोई रिज़ल्ट के अंदर नाम नहीं आता तो लोग बड़े डिसर्ट हो जाते हैं और इतने डिसर्ट हो जाते हैं फिर वो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करते, बल्कि किताबें भी फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी डिसर्ट नहीं होना। अगर आप मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो मैंने कम अज़ कम 150 से ज़्यादा टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। और अभी भी मैं मतलब जो भी मेरे लेवल की जॉब आती है मैं उसमें अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसलिए करता हूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं आपको उस एक्सपीरियंस के बेस पे बात बताऊँ। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं उसमें इंशाल्लाह ताला इसका मतलब यह है कि कल का दिन भी पड़ा है, परसों का दिन भी पड़ा है, तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पीपीएससी की जितनी भी न्यूज़ अपडेट्स हैं उसको हम बाद में अपडेट करेंगे। अभी हमने सिर्फ सब इंस्पेक्टर शेखुपुरा का बताना था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।